सदरमुमे का डॉक्टर आरिफ अलवी ने अक्रियतों के दिन के मौके पर पैगाम दिया है कि आज का दिन पाकिस्तानी तारीख में खुसूसी अहमियत का हामिल दिन है। आज हम अपनी अक्रियतों से रवादारी से पेश आने के वादे की तजदीद करते हैं। इस्लामाबाद में चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। लाहौर में नैब दफ्तर के बाहर मरियम नवाज की पेशी के दौरान पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुंतशर करने के लिए शैलिंग और पथराव। मरियम नवाज की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। वज़ीर ख़ारिजा महबूब शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शुक्रिया के खतूत लिख दिए। एफएटीएफ और कश्मीर के हवाले से 6 अगस्त को बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में अपोजिशन की शिरकत और कानून साजी में मुआवनत पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। मौसम की सूरत हाल के तसलसल के साथ मॉनिटरिंग की जाए। शहरों में निकासी आग के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर ज़ुल्फ़िकार खान ने डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी ट्रैफिक को 14 अगस्त के लिए मुश्तरक ट्रैफिक प्लान जारी करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बाद 13 अगस्त रात 14 अगस्त को रेड जोन गैर मुतालका अशख़ास और गैर जरूरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। पायलट को मशकूक और जारी लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने से मुतालिक केस वफाकी तहकीकती एजेंसी को इरसाल कर दिया गया। स्मगलर नेटवर्क के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई में मोटर कार से हथियार, कारतूस, वायरस, स्टेट्स और टेरिस को बरामद करके दो स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध के शहरी का अनोखा एहतजाज। पानी में खड़े होकर वजीर आला सिंध की तस्वीर हाथ में लिए दुखी अंदाज में गाने गाए। वजीर आला की तस्वीर के साथ दिलों शिकों से भरपूर मकालमा किया। सिंध के लिए कुछ करने की अपील भी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाशिंगटन में सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर अचानक फायरिंग के वाकये के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस को घेरे में ले लिया। भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। 3 कश्मीरियों पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाकर शहीद कर दिया गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी तो अहले खाना को बेटों के शहीद होने का इल्म हुआ। अहले खाना ने सबूत के तौर पर शहादा का डीएनए टेस्ट कराने का मुतालबा किया है। और मुल्क भर में 14 अगस्त जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर तरफ सबसिलारी परचमों की बहार है। शहरियों की जानिब से झंडियां और बैजेस खरीदकर अपने पाक वतन से सारे मोहब्बत किया जा रहा है।
अगले चैनल जेएनएन ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट।